चंद्रनगर के पास सड़क दुर्घटना में दो लोग घायल हो गए, जिन्हें चंद्रनगर स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, लेकिन वहां कोई स्टाफ न होने के कारण एक स्वात एम्बुलेंस के द्वारा छतरपुर जिला चिकित्सालय लोगों की सहायता से भेजा गया। राजगीर अखिलेश्वर तिवारी के मुताबिक यह दोनों व्यक्ति बमनोरा ग्राम के बताए जा रहे हैं, जो किसी काम से मंझला की ओर जा रहे थे, तभी उनकी आमने सामने से मोटरसाइकिल भिड़ंत हो गई, जिसके कारण वह बुरी तरह घायल हो गए। लहूलुहान स्थिति में राहगीरों के द्वारा उन्हें चंद्रनगर स्वास्थ्य केंद्र तक लाया गया, लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि चंद्रनगर स्वास्थ्य केंद्र में ना तो डॉक्टर था और ना ही कोई अन्य स्टाफ जो उनके प्राथमिक जो उनका प्राथमिक इलाज कर सके। स्थानीय जन नरेंद्र पाठक व श्यामजी गुप्ता के अनुसार चंद्रनगर स्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय से कोई डॉक्टर न होने के कारण लोगों को इसी तरह परेशान होना पड़ता है। इनका कहना है कि कई बार इस संदर्भ में शिकायतें भी की गई, लेकिन किसी भी तरह की कोई अभी तक सुनवाई नहीं हो सकी। नाम है आपका? नरेंद्र पाठक धमना। कि अस्पताल में क्या सुविधाएं हैं? अभी 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 एक यहाँ एक्सीडेंट वाला केस आया था और वो अस्पताल में गए तो डॉक्टर नहीं मिले, ताला लगा हुआ था, इसकी वजह से उनकी हालत गंभीर हुई है। अब वो छतरपुर के लिए यहाँ से रवाना हुए। भगवान से मैं विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, वो स्वस्थ हो जाए। ये यहाँ पर अस्पताल में डॉक्टर कब से नहीं है? कम से कम 4 माह से डॉक्टर नहीं है, यही स्थिति है। कोई स्टाफ दूसरा? कोई स्टाफ नहीं है, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई देखने वाला है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्यामजी गुप्ता है, जिला सह संयोजक हूँ भाजपा की। ये चंद्रनगर के अस्पताल में डॉक्टर नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ी गंभीरता की बात है। चंद्रनगर बहुत बड़ा क्षेत्र है और सीधा नेशनल हाईवे लगा हुआ है 39, और इसमें बहुत बड़ी दुर्घटनाएं भी होती हैं और एक्सीडेंट आज देखते जा रहे हैं आप, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। ना कोई स्टाफ मौजूद है, ना कोई यहाँ पे डॉक्टर मौजूद है। तो आज ही नहीं है या रोज नहीं रहते हैं यहाँ पर? कोई ना डॉक्टर है, ना कोई वो है, कोई डॉक्टर नहीं यहाँ पर? नहीं, नहीं। इसीलिए मैं शासन और प्रशासन से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष की और हमारे विधायक जी से यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ जल्दी से जल्दी सब चीजें मुहैया कराई जाए। आपका शुभ नाम? अखिलेश तिवारी। ये जो दुर्घटना हुई है, कौन है, कहाँ से है? जी हमारे चाचा जी हैं, लखनलाल मिश्रा जी। कहाँ के हैं? जी बमनोरा के हैं, ग्राम बमनोरा के हैं। ये लोग निमंत्रण जा रहे थे, अचानक रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। इन लोग कहाँ जा रहे थे? जी जा रहे थे मड़ला के आगे। तो कैसे मोटरसाइकिल से थे? हाँ मोटरसाइकिल, बाइक लड़ गई। एक्सीडेंट कैसे हुआ उनका? पीछे से किसी ने मोटरसाइकिल मार दी है उनको। अच्छा मोटरसाइकिल मार दी। तो यहाँ पर कैसे लाया अपन को? फिर हम लोग तो जब आए हैं तो हमें अस्पताल मिले भाई लोग लाए हैं कोई और। अच्छा अच्छा। हाँ इधर अस्पताल में तो कोई है ही नहीं है। यहाँ पर कोई प्राथमिक उपचार भी नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है। कोई डॉक्टर वगैरह? कोई डॉक्टर है ना कोई कुछ है ही नहीं। नर्स वगैरह कोई भी? कोई नहीं है। कोई नहीं है? नहीं है। तो आप कहाँ लेके जा रहे हैं? छतरपुर ले जा रहे हैं। स्थिति कैसी है? स्थिति गंभीर है, मुँह पूरा छुल गया, लग गया है पूरा, मतलब खून ही खून है।